बिहार में शराबबंदी को लेकर के अक्सर खबरें आती है कि किस तरह से बिहार में शराब पी करके लोग ड्रामा करते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है यह असल में गुजरात से आई है। आप देख सकते हैं कि एक महिला है सड़क पर चलती हुई अपनी गाड़ी से किसी और की गाड़ी को टक्कर लगा देती है, कंप्लेन होता है, पुलिसकर्मी आते हैं। उसके बाद जब पुलिस उस महिला के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तब इस औरत का जो ड्रामा शुरू होता है, इसका एक छोटा सा वीडियो आपने देख लिया है। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो महिला है वो बदतमीज़ी कर रही है। असल बात यह है कि शराबबंदी चाहे किसी भी सूबे में हो, अक्सर लोगों को देखा जाता है कि शराब पीते हुए लोग किसी और के साथ बदतमीज़ी करते हैं, वीडियो वायरल होता है। फिर सवाल उठता है कि सरकार आखिरकार फेल क्यों हो जाती है, क्या जो शराबबंदी है वो सही तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शराबबंदी को बंद करने के लिए तब तक बंद नहीं किया जा सकता है, शराब पूरी तरीके से बैन तब तक नहीं हो सकता है जब तक लोग अपनी तरफ से कह सकते हैं सहायता नहीं करता है। लेकिन वही हाल बिहार में, वही हाल गुजरात में, चाहे बात प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेट की हो, चाहे नीतीश बाबू की हो, हालात सब जगह के वैसे ही हैं। लेकिन ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि ये महिला किस हद तक परेशान कर रही है। पुलिस कर्मी के साथ जिस तरह से इसने बदतमीज़ी की, जिस तरह से इसने ड्रामा किया और ड्रामा रचा, वो वाकई सोचने वाला है। पुलिसकर्मी उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महिला है, चूँकि ये महिला है, शराब पी हुई है, और महिला से बात करते हुए लोग अक्सर थोड़ा सा डर भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बदतमीज़ी वो कर रही है और जिस तरह का उसने मेलोड्रामा क्रिएट कर रखा हुआ है, इसे लोग काफ़ी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेते हुए ये बात कह रहे हैं कि ये तो गुजरात का वीडियो है, गुजरात में ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि गुजरात में तो शराब बंद है। लेकिन हम मानते हैं, क्योंकि हम बिहार में रहते हैं और हमने आज ही एक खबर पहले भी चलाई है जिसे हम अभी इसी वीडियो के अंदर ऐड करने जा रहे हैं, कि किस तरह से बिहार में शराब पकड़े हुए शराब को जब लोग पुलिस वालों ने पूरे शराब को कह सकते हैं शराब पर गाड़ियां चलवा दी, उसे कुचलवा दिया, उसके बावजूद रोलर चलाने के बाद एकाध दो चार बोतल जो रह गए, जैसे ही पुलिसकर्मी वहाँ से निकलते हैं वो शराब लूटने के लिए लोग पहुँच जाते हैं। ये कहानी कैमूर की है। वहीं अगर बात छपरा की जाए तो छपरा से भी एक वीडियो सामने आई है जहां पर देखा जा रहा है कि किस तरह से ऑटो के अंदर एक गुप्त संदूक बना दिया गया है जिसके अंदर शराब रखा हुआ है। सीट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से एक डिज़ाइन बना करके शराब ले जाया जा रहा है। बात साफ़ है कि अगर आप नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, लोग अपनी भूमिका नहीं देना चाहते हैं, तब शराबबंदी हो या किसी भी तरह कानून बनाया जाए, किसी चीज़ पर बैन लगाया जाए, वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक लोग नहीं चाहेंगे। तो हकीकत यह है कि चाहे वो किसी भी सूबे की बात हो, किसी भी जगह की बात हो, वहाँ पर लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये गुजरात की वीडियो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक महिला जो है वो पुलिस कर्मियों के साथ किस तरह का सलूक कर रही है। કારણ કે તમે બધા ખોટા જ છો।